आज मैं आपको बताऊंगा, मैं ऐसे एक कंटेस्टेंट को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिन्हें मैंने देखा था और फाइनल 18 में तो नहीं आए थे। वो उड़ीसा के एक बहुत सी माइनिंग विलेज से आ रहा है। वहाँ टीवी भी नहीं है, रेडियो में सुन सुनकर जो सीखा था, लेकिन कहीं उसके अंदर मैं वो चीज़ देखी थी जो मैं जैक और अमृता में, दैट फायर, द दीवानापन। तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि जब तक मैं हूँ, ये तीनों हैं और लक्स डांस इंडिया डांस है, जी टीवी है, ये हिम्मत हम दिलवाते रहेंगे। तो पेश है आपके सामने छोटू लोहार। हाय, मेरा नाम छोटू लोहार है और मैं उड़ीसा से आया हूँ। हम लोग का एरिया का नाम है गुरमे सेनी और मेरा गांव का नाम है सानमुदा बोल के, जो छोटा गांव के नाम से जाना जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार छोटू लोहार को परफॉर्म करते हुए देखूंगा और मैं ही उसको कोरियोग्राफ करूंगा, क्योंकि ऑडिशन में वो मुझे बहुत पसंद आए थे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए थे। छोटू, यहाँ पे आपका सफ़र ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है, करेक्ट? सर, घर में ही मेरा फर्स्ट चांस था और लास्ट चांस था। पिताजी अभी डांस करने चांस नहीं देंगे। और सर, बहुत ही दुख लगा कि मैं डांस इंडिया डांस के सबसे बड़े मंच तक पहुंच नहीं पाया। उनका जो बैकग्राउंड है बहुत ही मेरे से मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। डांस को लेके जो जुनून उनके पास है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। विश्वास नहीं हुआ कि मुझे रिकॉल आया डीआईडी से एक डांस दिखाने के लिए। कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की, आई थिंक छोटू लोहार जब आएगा तो वो ये कहावत को पूरा कर देगा। छोटू, आपने एक बात कही थी कि मेरा सिर्फ सपना था कि मैं मास्टर्स के सामने परफॉर्म कर लूं, और आज आप यहाँ इस मंच पर हैं। यस मैम, मैं सबसे पहले दादा और तीनों मास्टर का पाँव छूना चाहता हूँ। इतना कहूँगा भाई, मैं तो आज के लिए जिंदा रहता हूँ।
मैं कल का सोचता नहीं, लेकिन आपके लिए कल मैं प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ, अगले साल सीजन 3 में आप जरूर आएंगे। थैंक यू सर। और तुम्हारे गांव में जितने तुम्हारे माइनिंग विलेज है, मेरी तरफ से बोलना कि दादा ने कहा है कि क्या बात रेमो, सो ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और छोटू के लिए मैं बोलूँगा कि कहते ना कि अच्छे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, एक्चुअली सही कहा है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वो खुद ही ढूंढ लेते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही एक अच्छे आदमी ने छोटू को ढूंढ लिया है और वो उनका नाम भी नहीं पता है अभी तक, लेकिन वो छोटू की हेल्प कर रहे हैं और छोटू को यहाँ तक आने के लिए और उनको पैसे भेजते हैं। वो DID से पता लेके गए और मेरे साथ कॉन्टैक्ट किए और फिर पैसा भेजते। नाम बताओ सर। नाम नहीं पता सर उनका। तो चलो हम चारों मिलके उनको सल्यूट करते हैं। ऐसे लोग जुग जुग जिए, बहुत कम मिलते हैं, जुग जुग जिए। मास्टर रेमो, आपने ये परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ किया, कैसा रहा छोटू को सिखाने का एक्सपीरियंस? बहुत मज़ा आया एक्चुअली, और अच्छा भी लगा कि छोटू आए और उन्हें 1, 2, 3, 4 नहीं समझ में आता था इससे पहले। जिस तरीके से हम लोग रियर्स करते हैं कि हर बीट पे चेंज एंड 5, 6, 7 8 चेंज एंड, तो उनको कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो वो आए यहाँ पे, उनको वो देख के भी पहले ही डर गए कि भैया ये सब तो मुझसे नहीं होने वाला। देन सबसे अच्छी बात यह है कि वो जिस तरीके से रेडियो सुन के एंड उन्होंने डांस सीखा है, तो वो जो सीखने की क्षमता है इनके अंदर वो बहुत कमाल की है। जैसे जैसे स्टेप बताने गए वो करते गए करते गए करते गए एंड उसके बाद व्हाट अ परफॉर्मेंस गिव छोटू, सुपर्ब। थैंक यू सर। मास्टर गीता, जब इन्होंने जलवा किया था और हम बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे, लेकिन कोरियोग्राफी राउंड में क्योंकि इनकी ये प्रॉब्लम थी कि कभी किसी के अंडर इन्होंने ट्रेन नहीं किया था, इनको पता ही नहीं था कि क्या करना है, एंड टुडे यू डिड दिस परफॉर्मेंस यार, मींस कमाल हो गया सब। रेमो सर की कृपा है सर। कमाल हो, नहीं बेटा ये हमारा काम है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जब शिष्य अच्छा हो तब गुरु को अपना स्थान मिलता है, और आपने वो कर दिखाया। थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड ऐसे ही काम करते रहना। थैंक यू मैम। मैं कहूँगा कि जिनको 1, 2, 3, 4 नहीं आता है वो अपनी दिल की धड़कन सुनते हैं, और जिस तरह से तरीके से आपने ये परफॉर्म किया, मुझे लगा कि आपने दिल से परफॉर्मेंस दिया। यू आर ब्रिलियंट छोटू यार, अमेजिंग। एक दिन आएगा छोटू जब 100 सुनार की होगी, एक छोटू लोहार की होगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट छोटू। थैंक यू, थैंक यू।